विधानसभा के अध्यक्ष नरेला विधानसभा के विधायक माननीय विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए साथ में उपस्थित है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप सब कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करते रहे हैं। माताओं बहनों से निवेदन है नीचे कुर्सी पर बैठ जाएं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का कार्य करने वाले और जन जन के गरीबों के नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम सबके बीच इस लोक कल्याण दिवस के कार्यक्रम में हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित है। छोला क्षेत्र के चांदवाड़ी में उपस्थित हो चुके हैं भाई और बहनों। इस मध्य प्रदेश में चौथी बार के दूसरे कार्यकाल में तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विश्वास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में उपस्थित है। साथ में उपस्थित है मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और गैसराज पुनर्वास मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पे तो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मंडलों के अध्यक्षगण सूर्यकांत गुप्ता जी विमलेश ठाकुर जी आए। श्री शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जिंदाबाद। हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी हम सबके बीच में यहाँ मंच पर उपस्थित है और बड़ा ही गरिमामयी कार्यक्रम लोक कल्याण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आज मनाने जा रहे हैं, नरेला विधानसभा के अंदर मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से माननीय विश्वास सारंग जी से माननीय जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि माँ भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर वो शहीद खेड़ापति बाबा एवं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। और आज शहीद भगत सिंह सुखदेव जी राजगुरु जी का भी शहीद की दिवस है तो उनके चित्र पर भी माल्य अर्पण कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाई और साथियों, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय विश्वास सारंग जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जिला अध्यक्ष जी के और भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर खेड़ापति हनुमान भारत माता एवं शहीद भगत सिंह जी सुखदेव जी शहीद राजगुरु जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि से अपने लाडले मुख्यमंत्री अपने लाडले प्रदेश अध्यक्ष अपने लाडले विधायक माननीय विश्वास सारंग जी का अब यथा स्थान से स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हम सबके बीच में पूर्व महापौर और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी भी उपस्थित है, वे भी दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसा कि प्रत्येक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधिवत रूप से कन्या पूजन का कार्य करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है उसी तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर आज लोक कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया जा रहा है। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भाइयों से भी निवेदन है माताओं से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर की नरेला विधानसभा में लोक कल्याण दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया जा रहा है कि उन्होंने वैश्विक महामारी
कोरोना के काल में भी इस मध्य प्रदेश को किस तरीके से विकास की गति दी और गरीबों के लिए जन कल्याण की योजनाओं को चलाकर इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने का कार्य किया है। स्वागत के इस मेला में मैं माननीय मंत्री श्री कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विश्वास सारंग जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। माननीय विश्वास सारंग जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है। आप सभी कर्तव्य धोनी से आप अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके उपरांत में मैं सूर्यकांत गुप्ता जी को आमंत्रित कर